तितली और गर्व इस तरह आएंगे एक दूसरे के करीब। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। स्टार प्लस के सीरियल तितली में हो रही है मोनिका की शादी, यानी कि गर्व की बहन की शादी। और ये पल, ये दिन गर्व और उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न जाने कितने दिनों से मोनिका की इस शादी और सगाई का दिन वो लोग इंतजार कर रहे थे। मोनिका की पहले होगी सगाई और सगाई के डेकोरेशन का जिम्मेदारी गर्व ने दिया है तितली को, क्योंकि तितली एक बहुत अच्छी डेकोरेटर है। तितली ने डेकोरेशन द्वारा किया गर्व को इम्प्रेस। जी हाँ, तितली का डेकोरेशन सभी को इतना पसंद आया कि आज के इस फंक्शन में चार चांद लग गए। और इस तरह आप देखेंगे कि गर्व तितली से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। इस सगाई में आपको गर्व की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। वेल यस, मोनिका की एंगेजमेंट हो रही है एंड ये जो पूरा डेकोरेशन है ये तितली ने किया है। उसको मैंने काम दिया था कि डेकोरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए एंड मेरे एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम कर गई वो। तो गर्व दिखा नहीं रहा है कि वाओ क्या कर दिया, बट आई इज़ लाइक ओके गुड वर्क। एंड आगे की तैयारियाँ भी अच्छे से होनी चाहिए, वो उसको थोड़ा और प्रेशर देता है ताकि और अच्छा करना, क्योंकि ये तो अच्छा था ही और अच्छा चाहिए। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, प्लस इनका भी अपना एक अलग बैंटर चल रहा है, नोक झोंक चल रही है, तो दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन गर्व एंड तितली। बाकी फंक्शन वगैरह बहुत आराम से हो जा रहे हैं। आज के फंक्शन में बहुत सारा मसाला देखने को भी मिलेगा, यू नो लाइक ऑल द डांस सीक्वेंसेस, वो जो प्यार होता है, एक फैमिली वाला थिंग होता है, ऑल दोस थिंग विल बी देयर इन दिस एपिसोड। वेल लेट दैट बी अ सरप्राइज, डेफिनेटली कुछ तो आप लोग के लिए हम करेंगे, बट लेट दैट बी अ सरप्राइज कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो आई एम श्योर कि आप क्लिप निकाल के डाल ही दोगे उसके। सी डेफिनेटली डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है तितली ने, जो तितली ने डेकोरेशन किया है वो अच्छा है, बट ये गर्व ज़्यादा बोलेगा नहीं कि वाओ अमेजिंग क्या कर दिया तुमने, बट हाँ वो थोड़ा सा सरप्राइज है कि अच्छा इतना अच्छा कर सकती हो तुम, पता नहीं था। तो अब ये आगे के जो फंक्शंस है उसके लिए इसको और प्रेशर करता है कि देखो अब ये अच्छा है, बट आगे में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। तो ये जैसा हुआ है इससे और बेटर चाहिए, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। फिलहाल मोनिका की इंगेजमेंट हो रही है। वेल वी आर कीपिंग इट वेरी रियल, गुजराती बैकग्राउंड है तो हम वैसा ही रख रहे हैं, बहुत सटल लुक रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं रखा है। एंड आई लिटरली लाइक द लुक। एंड ये जो हाफ कोट है ना, ये दिस वॉज द मेन अट्रैक्शन, बिकॉज मेरे को भी नहीं लगता कि मैंने ऐसे कहीं पुराने शोज़ में वेयर किया है, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो ये थोड़ा एक यूनिक पैटर्न लगा एंड विथ अ फ्लेवर ऑफ सटलनेस, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रख रहे हैं। एज आई सेड कि हमारा सेट भी आप देखो बहुत रिलेटेबल मिडिल क्लास फैमिली वाला बनाया है, कोई मैंशन नहीं बनाया है, तो वो ओवर द टॉप जाके हम हर चीज़ एकदम हाई फाई नहीं कर रहे हैं, वी आर कीपिंग इट वेरी रिलेटेबल। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी तक। एंड अभी जो मेन प्लॉट बोल सकते हैं, जिस पे हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था कि बस ये स्टार्ट हो एंड वो ऑडियंस को देखने को मिले, दैट इज़ अबाउट टू कम एंड आई एम वेरी श्योर यू गाइस आर गोना लव इट। द रिलेशनशिप बिटवीन गर्व एंड तितली, हाउ दैट रिलेशनशिप डेवलप्स एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं उस प्रोसेस में, उस जर्नी में, आई एम श्योर यू गोना लव इट। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो मैं सीन्स याद कर रहा हूँ जो अभी मैं करने वाला हूँ, दे आर वेरी एक्साइटिंग सीन्स।